बच्चों स्वागत है आरसीआई की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक सॉरी नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव। विद्युत विभव जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान दें ये तीसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी का, जिसमें हम ये जो विद्युत विभव है उसको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाला जो टॉपिक था चैप्टर था उसमें हमने विद्युत क्षेत्र को पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र जो है अलग अलग कंडीशंस में हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया है, अब उसी उन्हीं कंडीशनों में हम विद्युत विभव को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत विभव को समझते हैं कि विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो कि मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें अनंत पर ये यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, एकांक धनावेश। एकांक जो धनावेश होता है उसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। ये हमारा परीक्षण आवेश है और ये कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर, ठीक है। और यहाँ पर वी बिंदु है और यहाँ मान लीजिए कोई के बिंदु है, ठीक है, और यहाँ कोई आवेश है जिसका यहाँ तक वी बिंदु तक कोई क्षेत्र है। बी बिंदु तक इस आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब इस परीक्षण आवेश को अनंत से हम जब इधर लेके आएंगे इस बी बिंदु की तरफ, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, हमारा ये धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, बोलो नहीं क्या है, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर तो विद्युत बल भी बाहर की ओर लगेगा, तो बल भी इधर लगेगा, इसका मतलब विद्युत बल की दिशा भी यही होगी। ध्यान दें मैंने आपको पहले वाले चैप्टरों में बताया है कि जब कोई भी आवेश है धनात्मक आवेश है तो उससे बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, तो विद्युत बल भी बाहर की ओर लगता है और विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर उत्पन्न होगा। अब ये दिशा विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल की इधर है और हम परीक्षण आवेश को इधर लेके आ रहे हैं बी बिंदु की तरफ, तो बताइए जब परीक्षण आवेश इधर आएगा तो कोई ना कोई बाह्य बल लगाएंगे, हम बाह्य बल लगाएंगे और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो उधर है और आवेश को किधर लेके आ रहे हैं, हम इधर, तो विद्युत जो बल है उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी फिर, तो परिभाषा समझते हैं कि एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को अनंत से धीरे धीरे किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वो कहलाता है आपका विद्युत विभव, समझ गए। इसका मतलब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक धीरे धीरे लाने में जो किया गया कार्य है और परीक्षण आवेश है उसके अनुपात को कहते हैं विद्युत विभव। देखो बेटा विभव ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कार्य। कार्य देखिए हम किसके विरुद्ध कर रहे हैं, विद्युत बल के, समझ गए। तो इसका मतलब विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया। अगर हम मैं इस आपका ये जो आपका मार्कर है इसको नीचे की ओर गिराऊंगा तो ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरेगा, लेकिन अगर मैं नीचे से किसी चीज को उठाता हूं तो मैंने किसके विरुद्ध कार्य किया है, मैंने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य किया है। तो गुरुत्वीय विभव कितना होगा, गुरुत्वीय विभव होगा इसके विरुद्ध मैंने जितना कार्य किया है वो कार्य और इसका जो वजन है वो वजन, वो कहलाता है गुरुत्वीय विभव। वहां वजन आ जाता है, यहाँ क्या आ जाएगा, आवेश। वजन को हम बोलते हैं द्रव्यमान, मास। यहाँ पर हम जो कार्य कर रहे हैं वो विद्युत बल के विरुद्ध कर रहे हैं, तो जो भी कार्य आएगा वो विद्युत कार्य आएगा और परीक्षण आवेश का अनुपात है वो कहलाता है विद्युत विभव। परिभाषा समझ में आई का, रटने की किसी चीज को जरूरत नहीं है, डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि किसी परीक्षण आवेश को एकांक आवेश को एकांक धनात्मक आवेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव। देखो इस आवेश का यहाँ तक क्षेत्र बना दिया हमने, तो इस बी बिंदु पर इसको लेके आएंगे तो ये आवेश उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो उसके विरुद्ध हम कोई बाह्य बल लगा रहे तभी तो वो इधर आएगा, तो ये हो गया आपका विद्युत विभव, ठीक है। तो यानी कि V बराबर आपके पास आ गया W/Q0, ये आ गया आपका विद्युत विभव। अब यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगी। तो भाई देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि विद्युत विभव जो है इसका मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक होता है
मात्रक है जूल, अरे कार्य का मात्रक क्या है जूल, और आवेश का मात्रक है कूलम, तो क्या आ जाएगा मात्रक जूल पर कूलम, ठीक है, तो आवेश का मात्रक आ गया जूल पर कूलम, जूल पर कूलम जिसको हम लिख सकते हैं जे वाई सी, जूल को जे से और कूलम को कैपिटल सी से, और इसको हम लिख सकते हैं जूल इंटू कूलम यूवर्स, ठीक है, ऐसा ही मात्रक लिखे तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या आ जाएगा बेटा, ऐसा ही मात्रक आपके पास आ जाएगा, जो ऐसा ये आपका एमकेएस में मात्रक है जूल इंटू कूलम इनवर्स, इसको लिख सकते हैं वोल्ट, क्या लिखते हैं वोल्ट, और वोल्ट को कैसे दर्शाते हैं डीसी, इसका मतलब जो आपका विद्युत विभव है उसका मात्रक आ जाता है, ऐसा ही मात्रक आ जाता है वोल्ट, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र की सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि थी सदिश राशि, जबकि विद्युत विभव अदिश राशि, विद्युत विभव कैसी राशि है अदिश राशि। तो देखो मैं थोड़े से कुछ पॉइंट इसके फटाफट बता देता हूँ, मात्रक की बात चल रही थी पहले मात्रक देख लेते हैं, तो इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो तो है आपका वोल्ट, और एमकेएस पद्धति में मात्रक है जूल पर कूलम, सीजीएस में अगर इसका मान देखें तो सीजीएस में अपन एक वोल्ट का मान लिखे तो एक वोल्ट का मान आ जाता है सीजीएस में, एक वोल्ट बराबर सीजीएस में स्टेट वोल्ट होता है जिसका मान होता है 1/300 स्टेट वोल्ट, ठीक है, तो एक स्टेट वोल्ट कितना होगा बेटा, एक स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा या 300 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 300, तो इसका मतलब सीजीएस पद्धति में जो विभव है उसका मात्रक क्या होता है स्टेट वोल्ट, सीजीएस में स्टेट वोल्ट, और वैसे अगर देखा जाए सिंपल तो ये होता है आपके पास स्टेट, इसको स्टेट वोल्ट बोल देते हैं कुछ किताब वाले, इसको स्टेट कूलम भी बोलते हैं, ठीक है, तो स्टेट कूलम भी लिख सकते हैं इसको, स्टेट वोल्ट भी लिख सकते हैं स्टेट कूलम, यहाँ भी स्टेट कूलम लगाना चाहो तो स्टेट कूलम, कुछ किताब वाले स्टेट वोल्ट बोलते हैं और कुछ इसको स्टेट कूलम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी बीमा निकाल लेते हैं, तो बीमा के लिए देखो बीमा विभव की बीमा, विभव की बीमा निकालेंगे, कार्य की बीमा, कार्य की बीमा होती है M1 L2 T-2, कार्य की बीमा याद रखनी है, कार्य और बल की बीमा ऐसी हमें याद रखनी है, बल की बीमा क्या होती है M1 L1 T-2, कार्य की होती है M1 L2 T-2, अपॉन आवेश की बीमा, आवेश की बीमा होती है L1 T-1, सॉल्व करो बेटा क्या जाएगा M1 L2, ये T-1 टी प्लस वन ऊपर जाएगा माइनस, और माइनस का एक और माइनस के तीन, और धाते हमेशा जुड़ती है तो आपके पास आ जाएगा माइनस का तीन, दो और माइनस का एक माइनस का तीन, और ए ऊपर जाएगा एक माइनस, इसकी विभव की बीमा बन जाएगी आपके पास M1 L2 T-3, और आपके पास आ जाएगा A-1, ठीक है। कैसी राशि है, अब आप राशि लिखना चाहो तो विभव जो है, विभव कैसी राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है, विद्युत विभव कैसी राशि है अदिश राशि, क्लियर है, अदिश है तो कोई ना कोई, सॉरी अदिश है तो इसकी कोई दिशा नहीं होगी, जबकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, ठीक है। और देखते हैं देखो इसके कुछ मुख्य पॉइंट और देख लेते हैं, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में ये ध्यान रखना है कि अगर धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव आपके पास आवेश है तो जो विभव आएगा, पॉजिटिव आवेश है तो विभव क्या आएगा, विभव भी जो आपके पास आएगा वो विभव भी धनात्मक आएगा, धनात्मक आवेश का विभव भी धनात्मक, और ऋणात्मक आवेश का जो विभव है, ऋणात्मक आवेश का जो विभव है वो भी कैसा आएगा, ऋणात्मक, ठीक है, यानी कि धनात्मक आवेश से अगर अपन विभव ज्ञात करेंगे तो धनात्मक, ऋणात्मक आवेश से विभव ज्ञात करेंगे तो ऋणात्मक, इसका मतलब एक बात क्लियर होगी। वहां पर विद्युत क्षेत्र में हम दिशा के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि धनात्मक विद्युत क्षेत्र होगा या ऋणात्मक, लेकिन यहाँ पर आवेश अगर धनात्मक है तो विभव भी धनात्मक, और अगर आवेश ऋणात्मक है तो विभव भी ऋणात्मक। और देखो अगर अपन देखें तो अगर कई कैलकुलेशन ऐसी होंगी जो पृथ्वी की सतह से होंगी, तो पृथ्वी की जो सतह है उस पर विभव हम जीरो लेके कैलकुलेशन करते हैं, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह के लिए हम जो कैलकुलेशन करेंगे वहां विभव कितना लेंगे बेटा, विभव शून्य लेकर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि पृथ्वी की सतह पे कुछ आवेश रखा है तो वहां विभव शून्य है, अनंत पर भी विभव शून्य है और पृथ्वी की सतह पर, उससे जितनी दूरी पर जाएंगे वैसे वैसे उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अपन जो अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है
विद्युत विभव समझ में आ गया होगा, परिभाषा क्या थी कि एकांक परीक्षण आवेश, एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश को अनंत से धीरे धीरे किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य परीक्षण आवेश का जो अनुपात है उसको विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें विभवांतर की तो विभवांतर क्या जाएगा बेटा, अच्छा विभव को किससे दर्शाते हैं, बड़े वी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं विभवांतर, विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा विद्युत विभवांतर क्या होगा बेटा, अब ध्यान से समझें, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास आवेश है, यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर आपका अनंत पर कोई परीक्षण आवेश रखता है प्लस का क्यू जीरो परीक्षण आवेश। ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश को पहले अपन इस बिंदु पर लेके आएंगे बी पर, तो इस पर विभव कितना होगा, लेट अस कंसीडर या मान लिया वी बी, इस ए बिंदु पर लाएंगे तो कितना होगा ये। अब ये बताओ कि कौन सा जो विभव है वो ज्यादा होगा, क्लियर है, जैसे जैसे आवेश के नजदीक आएंगे बल ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा कार्य ज्यादा उत्पन्न होगा, तो ये दूरी अनंत से कम है बी की और ए की ज्यादा है, तो दो विभवांतर की विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या बनी कि विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के विभव में अंतर, क्लियर सी बात है, उसमें क्या बोलेंगे विद्युत विभवांतर। अब विद्युत विभवांतर में यहां से क्या आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, कार्य कौन सा, कार्य आ जाएगा बी से ए और अपॉन, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, ये तो विभवांतर की परिभाषा से हमने लिख दिया कि दो बिंदुओं के विभव में अंतर, तो वी ए माइनस वी बी ये कितना कार्य किया, हम बी से ए तक का जो कार्य करेंगे वो तो विभवांतर और अनंत से नहीं, कहां से कहां तक, अगर अपन ये केवल और केवल बी बी याद करें तो हम लिखते हैं डब्ल्यू अनंत से बी आया और अपॉन क्यू जीरो, ठीक है, और बी ए लिखे तो अकेला बी है कितना आएगा विभव, अगर ए बिंदु का विभव देखें तो डब्ल्यू अनंत से कहां आया अपन ए बिंदु पर अपॉन क्यू जीरो, लेकिन हम जो विभवांतर याद कर रहे हैं वो ए बी के मध्य याद कर रहे हैं, तो कार्य भी ए बी के मध्य का, तो पहले बी पे थे, बी से ए तक कितना कार्य किया डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू जीरो, ये आ गया आपके पास विभवांतर। ध्यान रहे विभवांतर भी अदिश राशि है, विभवांतर का मात्रक भी क्या है वर्ल्ड, ठीक है, जैसे विभव है वैसे विभवांतर है, बस क्या है यहाँ विभवांतर यानी कि नाम से पता चल रहा है विभव में अंतर, ठीक है, इसका मतलब इसको इस तरह से इसका मात्रक भी वोल्ट है, इसकी विमा भी वो है, विभव की विमा के समान है, ये भी अदिश है, बस फर्क क्या है ये आपके पास अंतर है। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू क्लास।